नमस्कार, मैं कोमल। आज बात देवभूमि पे आए संकट की। देवभूमि में फिर से शुरू हुआ बरसात का कहर। सोमवार देर शाम से शुरू हुई भीषण बरसात ने उत्तराखंड वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। देहरादून की सड़कों पर कई वाहन बहते दिखे। पहाड़ों पर फिर भूस्खलन शुरू हो गया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर कई मार्ग अवरोध हो गए। आज विशेष में बात देवभूमि पर आई आपदा की। उत्तराखंड में दो दिन की राहत के बाद बरसात ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड वासियों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन रुकने के बाद बरसात फिर शुरू हो गई। पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश भर में मुसीबत पैदा हो गई है। प्रदेश में अगले दो दिन भी मौसम विभाग के हिसाब से भारी बरसात होने की संभावना है। खासकर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, तेहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर जैसे तमाम जिले शामिल हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन 7 जिलों में तेज बारिश होने के साथ साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं, जिसमें नदियों और नालों के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके साथ ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भारी बारिश की वजह से प्रदेश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्याएं भी घट सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपना 3 दिवसीय दौरा खत्म करके दिल्ली से उत्तराखंड लौट आए। वह दिल्ली से लौटते ही सीधे सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और प्रदेश के हालातों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से उत्तराखंड लौट आए हैं। दिल्ली से वापस आते ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आई आपदा के हालातों की जानकारी ली। दिल्ली से देहरादून आते ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में आई आपदा को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश के कई स्थानों में भूस्खलन की खबरें सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर तेहरी जिले के चंपा में लैंडस्लाइड से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस लौटते ही इन घटनाओं की जानकारी ली। सीएम ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां खराब हालात बने हुए हैं, वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा की वजह से तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन हुआ है। इसके अलावा सभी विभागों के नुकसान का ब्यौरा मांगा गया। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश में हुई आसमानी नुकसान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री का कहना था कि आपदा से हो रही समस्याओं से लोगों को जल्द राहत मिलेगी, बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने दो दिन तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन इसी बीच राहत की खबर भी सामने आ रही है। 25 और 26 अगस्त के बाद उत्तराखंड में बारिश की एक्टिविटीज कम होने की संभावना भी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 से 26 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 27 अगस्त के बाद मौसम में हल्के बदलाव की संभावनाएं हैं और सितंबर महीने में प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी काफी कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड में जून के महीने में बारिश की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक बारिश की एक्टिविटी राज्य में काफी अच्छी रही है और हर साल के मुकाबले इस साल जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में बारिश सामान्य से अधिक हुई है, लेकिन सितंबर महीने में प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा ये एक्टिविटी 27 अगस्त के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।